हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज और एक नया ब्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। मैं और मेरा दोस्त आए थे जस्टिस हाउस, कुछ काम था ऑफिस में। फिर वहाँ से निकलते ही बाहर एक कैफेटेरिया है, आर्ट कैफे, बहुत खूबसूरत कैफे है। यहाँ पे हम कॉफ़ी पीने का सोच रहे हैं। वहाँ पे मेरा दोस्त, उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया है। चलिए मैं दिखाता हूँ। और क्या ऑर्डर किया तूने? कॉफी। और हम कैफे के बाहर बैठे हुए हैं। पीछे पता नहीं अजीब सा गाना चल रहा है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर का। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है बाहर, एक बहुत अच्छा पार्क है वहाँ पे। आज के वेदर बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। बाहर धूप है लेकिन फील नहीं हो रहा है कि गर्मी लग रहा है। बहुत ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं सारे एंटिक्स रखा हुआ है यहाँ पे। अंदर ये सारे वाइन का बोतल है, वैसे जॉर्जिया वाइन के लिए बहुत फेमस है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे वाइन के बोतल्स है यहाँ पे। हर जगह पे वाइन ही वाइन है, ये देख सकते हैं क्रिस्टल 1991 का है ये वाला ब्रांड क्रिस्टल वाइन। और इस कैफे में आके कॉफ़ी पी के बहुत अच्छा लगा, यानी बहुत अच्छा लोकेशन है। तो मैं इस कैफे के ओनर से मैं पूछता हूँ कहाँ पे है, क्या है, वो बताएंगे इसके बारे में। चलिए बात करते हैं उससे। हाय, आर यू द ओनर ऑफ दिस कैफे? ओके, कैन यू टेल व्हेयर इज दिस लोकेटेड? This property is near the 9 March Garden. Okay. Near Tiffany Bar. And Justice House. Okay. And I must tell you, this is one of the most beautiful cafe I have ever seen. Okay. And the coffee was really good. So I would recommend my friends to come over here and taste it. And you can enjoy the view. It's a beautiful place. You can see all the antique pieces are kept here. Everything. It's like all the oldest of the oldest wines are kept in the world. And it's nice to talk to you. I hope my friends will come over here and enjoy the time. You're welcome. Thank you. And thank you for the coffee. और अभी हम इस कैफे से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ से एक मतलब पूरी स्ट्रीट पे एंटिक्स है, पूरा एंटिक स्टफ है, 100-100 साल पुराना, 50-70 साल पुराना। अभी आपको दिखाते हैं हम, चलिए चलते हैं। तो अभी ये एंटिक स्टफ की स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ कैफे वो पीछे रहा, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा लंबा 2-3 किलोमीटर आगे तक ऐसे बस एंटिक पीसेस यहाँ पे मिलेंगे। मतलब दुनिया के सारे जो पुराने जो चीज़ है सब कुछ यहीं पे मिलता है, मतलब हम यहाँ से खरीद सकते हैं। जो चलिए आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइडर है। ये क्या है? अरे वो होता था ना कैसेट वाला, ऐसे रोल करना है। ये काफी पुराना है, बजेगा, बहुत पुराना। इसको ऐसे भी डीजे की तरह यूज कर सकते हैं। समझो बात ना, इस स्टालिन को स्टालिन रागीस पोतासिनारी। ये क्या पैसा? बहुत पुराना पैसा है। स्टालिन का बैच मैं आर्मी को और स्टालिन। ये पुराना जमाना की टाइपराइटर। इस रोमेली रामदेनी से ली ओल्ड।
कितना साल पुराना बोल रहे हैं? कितना साल पुराना है? 60 years. भाई कितना खतरनाक है. अभी अभी मैं इससे मेहताब का गला काटूंगा. गला ये बहुत हार है. आराम से. एक नंबर. ये पंजाबी लोगों के लिए तो एक नंबर है. मतलब वो शादी के टाइम पे यूज करते हैं ना. टाइम पे ऐसे लगाते हैं. लेके जाना घर. ये ये घर लेके जाना. एयरपोर्ट से ही तेरे को जेल. इसका प्राइस अंकल ने बताया था 130 लारी. ये भी वही 2,500-3,000 के आसपास हो गया. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूँ. अभी जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो हमें हमारी आंटी से बात हुई. ये है क्या? मतलब ये तो ग्रेनेड जैसा दिख रहा है. है क्या ये? ये उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वाटर बॉटल्स यूज होती थी. तो ये 1951 की, यहाँ पे रशियन लिखी हुई है. देखो 1951. बाप रे बहुत पुराना है. बहुत पुराना है. ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में वाटर बॉटल्स जैसे यूज करते थे ये. ये अभी ये लोग इसे 70 लारी 100 लारी लाइक मतलब 3,000-4,000 के आसपास ही. 3,000-1,500 ऐसे बेचते हैं. ये हेरा फेरी का बंदूक. ओए ये हेरा फेरी का बंदूक है. हाँ हेरा फेरी वाला वो छोटू वाला. ये जो मार्केट है मतलब जो चीजें आपको पूरा टिब्लिसी में नहीं मिलेंगे और बहुत पुराना सामान भी यहाँ पे मिलते हैं. मतलब बहुत एंटिक एंटिक चीजें. मतलब आई कैची थिंग अगर आप नमस्ते बोल रही है. नमस्ते. देखिए नमस्ते. गमर जोबा. मतलब यहाँ के जो शॉपकीपर है इनको इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ पता है. तो इंडिया में मतलब नमस्ते बोलते हैं. नमस्ते मतलब यहाँ के गमर जोबा है. मतलब हेलो कैसे हैं आप सब. रूसी रशियन में प्रिवेत. बहुत बहुत प्यारी आंटी है यहाँ पे सब सारी. एक सब जो भी लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं कुछ खरीदने का बार्गेन जरूर करना. मतलब तो, ये लोग पूछेंगे लाइक 100 लारी 200 लारी मतलब 2,000-3,000 पूछेंगे. लेकिन आपको वो आधा प्राइस पाँच आधा भी नहीं. अभी हमने एक आंटी एक प्राइस बोल रही थी एक ब्रेसलेट का 130 कुछ बोला था और हम लोगों ने 10 लारी में ली. मतलब 10 मतलब हमें, गुना हमें, सस्ता. हमें पागल बना रही थी कि सिल्वर है. सिल्वर. यहाँ पे 100-100 साल पुराना बर्तन वगैरह रखा हुआ है. भाई ऐसा लग रहा है मिट्टी के अंदर से खोद के निकाला सारा. ये इतना लालटेन ये बेसबॉल बैट. किसी को मारना है इसीलिए रखे हुए हैं. वो होते हैं लड़ाई मारने के लिए. हाँ घर पे सिक्योरिटी. लड़कियों के चक्कर में कुछ चूतिए लोंडे लड़ाई करने आते हैं उनको कूटने के लिए. मेरे को मत मार. बात दोनों इस रोगर मुशाउस ऐसे नहीं. अच्छा खतरनाक वेपन है ये. मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए सारे जो चाहिए सब कुछ है यहाँ पे. यहाँ पे खंजर पड़े हुए हैं. खतरनाक खंजर है. बहुत हार है इसमें. ये वो है ना ये जो चाइना वाले वो मार्शल आर्ट्स में यूज होता है. ऐसे 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 करते हैं. यहाँ पे सालों साल पुराना कैसेट्स रखे हुए हैं. ये जो भी यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स बीटल्स के फैन है उनके लिए बहुत मजा है. भाई इतना बड़ा कैसेट यूज कहाँ करते हैं? अरे वो नहीं होता था वो यार वो गोल गोल घूमता है. अच्छा अच्छा वो लगते हैं बीटल्स पिंक बोहेमियन रैप्सोडी सारी है यहाँ पे. कर गया मिमिंदा इस रागी ए क्रिस ओचिल है बाबा छोड़ दे ओचिल है ओचिल. ये जो वो पॉइजनस गैस जब होता है तब यूज करते हैं ना. ये सोवियत रशिया में यूज हुआ था. ये बहुत खतरनाक है. ये तो आर्मी के होता है ना. ये आर्मी लोग यूज करते हैं. नहीं भाई ये कभी भी जैसे कहीं पॉइजनस गैस लीक हो गई जैसे चेर्नोबिल वाला सीन हुआ था 1977. ये 1977 का है ये. फक एस हरास में
ये देख छोटा टैंक मिला मेरे को। यहाँ पे पुराना सा ट्रक में एक ये क्या बना के रखा है, छोटू सा कैफे है ना। सैंडविच 5 ला रही है, वेजिटेबल सैंडविच 4 ला रही है। नाइस, हाय। अभी हम जा रहे हैं एंटिक पेंटिंग्स के मार्केट जो है यहाँ पे, पेंटिंग्स वगैरह सेल होता है यहाँ पे, तो उस मार्केट में हम अभी जा रहे हैं। मेरे पीछे है वो, ये पूरा जो एरिया है यहाँ से सीधा 1-2 किलोमीटर आगे तक बस यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह मिलता है। ये सारे हैंडमेड पेंटिंग्स है ना, सब प्राइस इनके नाम लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है। वाओ, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना के रखे हैं, ये सारे बहुत कॉस्टली हैं। क्या देख रहे है तू? बहुत गहरा स्टडी कर रहा है इसको। इतना ध्यान से क्या देख रहा है? बता इस पेंटिंग में क्या समझ में आया तेरे को? ब्रह्मांड। अभी आप लोगों को एक फन फैक्ट बता दें, क्या आपको पता है एडम एंड ईव के जमाने में साइकिल और अम्ब्रेला था? दिखाएं आपको, आइए चलिए दिखाते हैं। ये एडम और ईव साइकिल चला के कहाँ जा रहे हैं, हनीमून पे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये सीट यहाँ पे है, ये चला रहे हैं कुछ और कर रहे हैं? ए अश्लील मत हो। और पेंटिंग्स के इस गली से चलते चलते हम जस्टिस हाउस पहुंच गए। ये है वो जस्टिस हाउस, बहुत खूबसूरत है ये बिल्डिंग देखने। और यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल काम यहाँ पे होते हैं, मतलब फॉरेनर्स वालों का जो भी प्रॉब्लम्स दिक्कत होते हैं सारे कुछ यहाँ पे सॉल्व होते हैं। और यहाँ से जस्टिस हाउस के बाहर से ही तुरंत ये पेंटिंग पेंटिंग का गली जो है, मतलब ये स्टार्ट होता है बहुत आगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे तक ये पूरा मार्केट है। और अगर आप लोगों में से कोई पेंटिंग्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हो, बहुत सारे एंटिक पेंटिंग्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड आप लोग मतलब अट्रैक्ट हो जाओगे, अगर जिन लोगों को पेंटिंग्स के बारे में समझ है तो यहाँ पे आने के बाद पक्का अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब इतना एंटिक पेंटिंग्स है और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को एक पेंटिंग पसंद आया था, मैं सोचा इसको लेके जाऊँ, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, मतलब सुनते ही दिमाग खराब हो गया। 500 लारी की पेंटिंग थी और बार्गेन करने का भी हमारा मन नहीं करा। हाँ। क्योंकि मेहनत बहुत है इसमें, बहुत बहुत टाइम लगता है इतनी अच्छी इतनी प्यारी। और यहाँ पे बार्गेन करना मतलब टैलेंट को दबाना होता है, मतलब इतना मेहनत से ये लोग ये बनाया है जो जिसका प्राइस हाई होना ही चाहिए, तो इसलिए सोचा यार रहने दो इनको, अपना बिजनेस करने दो हम अपने मजे के लिए, इनका टैलेंट को मतलब हम दबा नहीं सकते। अगर हम लोग अफोर्ड कर पाते तो ऑब्वियसली वो पेंटिंग लेते, तो जो हम लेते वो पेंटिंग। तो अब हम घर चले हैं ना, घर चलते हैं। चलो, मतलब 2-3 घंटे से हम बस यहाँ पे घूम रहे थे, मतलब सारे एंटिक चीज़ें हम देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के। और अगर आप लोगों को किसी को कुछ भी एंटिक्स लेना है, मतलब बहुत पुराना 100-100 साल पुराना चीज़ें अगर लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैंने अभी दिखाया वहाँ पे जस्टिस हाउस के बाजू से ही ये पेंटिंग्स के दुकान चालू होते हैं और सीधा 1-2 किलोमीटर आगे तक के ये चलते रहते हैं और सब कुछ मिल जाता है, बहुत पुराना चीज़ें भी मिल जाता है, नया चीज़ें भी मिल जाता है। किसी भी को अगर एंटिक चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे आ सकते हो और ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो और आगे के वीडियोज़ में मिलेंगे, है ना? नहीं। तो मैं वीडियोस बनाते रहूँगा ऐसे, कुछ ना कुछ दिखाते रहूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और बताइएगा कैसा लगता है। गुड बाय। बाय बाय, टेक केयर।